हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रियो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें एकदम लेटेस्ट वर्जन। आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड करने के लिए कौन से भी ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एज ओपन करूंगा। आपको एज ओपन करने के बाद में यहां पे सर्च करना है क्रियो सर्च, ऐसा टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है क्रियो फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या फिर क्रियो फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ आएगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ऐसा पेज कुछ ओपन होगा। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो अपने सिस्टम के हिसाब से कैसे क्या रहेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे साइड में डिटेल्स दिए हुए हैं, वो आपको फिल करनी है, आपका नेम, ईमेल आईडी, और बाद में यहाँ पे वो डिस्क्राइब्स यू बेस्ट यहाँ पे आपको करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। उसके बाद में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद में न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टॉल क्रियो 9 नाउ, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऐसा पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ को आपको देख लेना है और उसको बाद में इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेव है मेरे यहाँ पे, ये देखिए। तो मैं इसे एक बार यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद में आपको जो सेकंड नंबर पे लिंक है, वो लिंक है क्रिएट एन अकाउंट 8, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और टाइटल, जो भी स्कूल वगैरह आप जिसमें भी हो उसका नाम डाल के, आप पासवर्ड वगैरह डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है ये कोड। तो जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे 7, 6 और 6, तो अंडरलाइन वर्ड को आपने फिल करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपका यूजर नेम यानी कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है, आप उसे ध्यान में रखिए, क्योंकि हमको वापस लॉगिन करने में वो यूज आएंगे। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट लिंक है डाउनलोड द पीटीसी क्रियो 9G फाइल, इस पर क्लिक करना है आपको फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे जो आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया था, तो अकाउंट क्रिएट करने पे जो आपकी ईमेल आईडी थी और पासवर्ड था वो यहाँ पे आप डाल के लॉगिन की करिए। उसके बाद में आप ऐसा कुछ दूसरे लैंग्वेज में आगे से ट्रांसलेट कर सकते हो आप। तो आप इसके एकदम नीचे लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो ऐसा टिक बॉक्स आएगा, आप इसको क्लिक करके और कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो क्रियो के जितने भी लेटेस्ट और जो ओल्डर वर्जन है ना, सब आपको दिख जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से कौन सा भी इसका वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें क्रियो 9 चाहिए, सबसे लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे Win64 DVD, आप यहाँ पे HTTPS पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 5GB का है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए अच्छी स्पीड का, ताकि फास्ट डाउनलोड हो सके। मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसको एक बार, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो डाउनलोड होने के बाद में फ्रेंड्स, आप फाइल मैनेजर में जाना है, डाउनलोड्स में जाना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे अपनी दो फाइल है, एक जी फाइल और पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल को ओपन करना है हमको, और यहाँ पे जो भी स्टेप्स दिए हैं वो आप एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पे पहला स्टेप में हमने डाउनलोड कर लिया है, सेकंड स्टेप में हमको एक्सट्रैक्ट करना है, थर्ड स्टेप में हमको लाइसेंस जो है वो कॉपी पेस्ट करके हमको लाइसेंस को इंस्टॉल करना है। तो चलो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करना है आपको। उसके बाद में आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और यहाँ पे काफ़ी समय लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, थोड़ा कट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे फोल्डर को ओपन करना है, इंस्टॉल लाइसेंस सर्विस पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फिर डायरेक्टली नेक्स्ट करना है इंस्टॉल लाइसेंस सर्वर को। और उसके बाद में चेकबॉक्स आई एक्सेप्ट को करके, और यहाँ पे हमको लाइसेंस की चाहिए, तो हमें पीडीएफ ओपन है अपनी पहले से ही, तो वो पीडीएफ को ओपन करके जो यहाँ पे जो कोड दिया है हम उसको कॉपी कर लेंगे फ्रेंड्स। देखो ऐसा कुछ कोड रहेगा, सेम कोड रहेगा, सेम रहता है सबका क्योंकि स्टूडेंट वर्जन है। सिंपल लाइसेंस एंट्री पे आपको टिक करना देना है, और यहाँ पे पेस्ट करना है लाइसेंस को। तो यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो मांगा था, यूजर ने अपनी ईमेल आईडी रहेगी और पासवर्ड जो हमने रखा था। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल के और जो अपना पासवर्ड है वो डाल के हम इसे लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन। उसके बाद में ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा फ्रेंड्स, कुछ आप करिए मत, इसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ये लाइसेंस की है, वो इंस्टॉल करेगा फ्रेंड्स। और जब तक ये इंस्टॉल होता है फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइसेंस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें इसे डायरेक्टली नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। फिनिश होने के बाद में हमको अपने फोल्डर में आना है, बाद में सेटअप वाली फाइल को हमें डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ आएगा, आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है, और इसको आई एक्सेप्ट को करके टिक बॉक्स को करके नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे हमने लाइसेंस इंस्टॉल किया था तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है,
तो आप इनमें से जो भी आपको चाहिए वो आप टिक करना, अनटिक करना। मैं तो कहता हूँ आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और डिफ़ॉल्ट रहने के बाद में हमको इसको नेक्स्ट करना है। ये 8.2 GB स्पेस लेगा नेक्स्ट करके। आपको ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंस्टॉल होगा आपके लैपटॉप या पीसी में, जो कुछ भी है। आप इनको चेकबॉक्स को टिक भी कर सकते हो और अनटिक भी कर सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ करने के बाद में आपको जो भी चाहिए, जो भी नहीं चाहिए, लैंग्वेजेस वगैरह भी है फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप इस यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक करके आप वो सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हो। तो मुझे जो डिफ़ॉल्ट है वही चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको अभी नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो डायरेक्टली इंस्टॉल होने लगेगा फ्रेंड्स। इसमें आपके पास अगर SSD है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर आपके पास HDD है, हार्ड डिस्क है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके कंप्यूटर के ऊपर है, CPU के ऊपर है, कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड्स SSD है, तो ये काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो गया। और जब तक ये इंस्टॉल होता है फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद में आपको डेस्कटॉप पे ऐसा कुछ दिखेगा। आप इसे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स। और ओपन करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, क्रियो 9 पैरामेट्रिक स्टूडेंट वर्जन का। तो ये जो रिसोर्स सेंटर है, आप इसको सबसे पहले क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऐसा कुछ लुक दिखेगा। आप अपनी वर्किंग डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हो, कहाँ पे जो भी आप वर्क करोगे तो डायरेक्टली आप वो सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, आपको जो भी 3D वगैरह मॉडल बनाना है, आपको फिर पता ही होगा, आपके जो भी कॉलेज स्कूल रहेगा वहाँ पे आपको सिखाया होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी 3D मॉडल वगैरह बना सकते हो फ्रेंड्स। ये यूजुअली जो भी इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये सॉफ्टवेयर 3D मॉडल्स वगैरह बनाने में और काफ़ी कंपनीज में यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे फ्री में स्टूडेंट वर्जन में आप इसको डाउनलोड करके जो कुछ भी आपका वर्क है आप कर सकते हो फ्रेंड्स इसे। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपके पीसी में इसका इंटरफेस बहुत छोटा दिखता है क्रियो का, तो आप सेटिंग में जाके, स्केल में जाके और यहाँ पे 125% कर दोगे, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन का जो इंटरफेस है वो थोड़ा अच्छे से, जो वर्किंग स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाएगा। आप 100% करोगे तो आप फ्रेंड देख सकते हो आपके आइकॉन है वो बहुत छोटे होंगे, बट आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो बहुत बड़ी हो गई। तो ऐसे आप अपना स्क्रीन का रेजुलेशन चेंज करके इसमें वर्क कर सकते हो फ्रेंड्स। और तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, जिनको नहीं पता कि इसका स्टूडेंट वर्जन फ्री में कैसे डाउनलोड करें।